नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। आज एक ऐसे इंसान की कहानी पढ़ने वाले हैं जिस इंसान ने भारतीय क्रिकेट को पूरी तरह से बदल दिया। जी हां दोस्तों, एक छोटे से शहर से आया ये लड़का जिसने भारतीय क्रिकेट के इतिहास को पूरी तरीके से बदल दिया और उसने क्रिकेट में ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसके बारे में उससे पहले कोई सोच भी नहीं पाया था। अभी अगस्त 2020 में इस क्रिकेटर ने संन्यास ले लिया है, तो आज हम जानेंगे इस व्यक्ति के जीवन के बारे में, अनछुए पहलुओं के बारे में। तो उस व्यक्ति का नाम है, शख्सियत का नाम है MS धोनी। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि महेंद्र सिंह धोनी जो है, उनका जन्म 7 जुलाई 1981 में झारखंड के रांची में हुआ था, जो कि इंडिया के पूर्वी भाग में है। उन्होंने DAV जवाहर विद्या मंदिर से अपनी पढ़ाई की और उसके साथ साथ में फुटबॉल और बैडमिंटन में उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। अपनी फुटबॉल टीम के वो गोलकीपर थे। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल में उन्होंने अपनी टीम की तरफ से भाग लिया था, लेकिन अपने फुटबॉल कोच के कहने के बाद में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उनकी बात करें आगे के बारे में, तो बिहार अंडर 19 में उनका अगली सीजन में सिलेक्शन हो गया और उनकी जो बैटिंग और कीपिंग है वो बहुत अच्छी सुधर गई। उसके कारण से बिहार रणजी ट्रॉफी में उनको 1999 2000 में खेलने का मौका मिला और आसाम की जो टीम है उनके खिलाफ उनके जीवन के क्रिकेट करियर की शुरुआत हुई, जहां पे उन्होंने बिना आउट हुए 68 रन बनाए थे। और विकेट कीपिंग जो थी वो उनकी एक खास बात थी। इसके कारण से उनको एक लोकल कमांडो क्रिकेट क्लब था, उसने अपने साथ में शामिल कर लिया और जहां पे 1995 से लेकर 98 तक वो खेलते रहे। 1997 और 98 के सीजन में उनका परफॉर्मेंस विनू माकड़ अंडर 16 चैंपियनशिप में बहुत अच्छा रहा और इससे जो चयन करता है उनकी नजर में धोनी आ गए। उन्होंने अपने पहली सेंचुरी की बात करें तो पहली सेंचुरी जो थी उनकी अगली ही सीजन में आ गई थी और उसके बाद में 2003 में उनका हर गेम में 40 का लगभग औसत रहा। 2003 में इंडिया ए टीम में उनका सिलेक्शन हुआ, जो केन्या खेलने के लिए गई थी ट्राई सीरीज टूर्नामेंट में, जहां पाकिस्तान भी था और उन्होंने उस मैच में बहुत अच्छे रन बनाए, उस सीरीज में बहुत अच्छे रन बनाए, लगभग 362 रन बनाए और एवरेज उनका 72.40 का रहा और उसके साथ में उन्होंने लगातार पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरियां मारी थी। धोनी के इस शानदार परफॉर्मेंस के कारण और घरेलू में उनके शानदार परफॉर्मेंस के कारण उनको ODI स्क्वाड में मौका मिला, जो कि बांग्लादेश में 2004-05 में यहाँ पे टीम गई थी और उनके ODI की जो शुरुआत है उसमें वो रन आउट हो गए बिना कोई खाता खोले हुए। लेकिन पांचवा मैच जो उनका था पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने उसके अंदर 123 बॉलों पे 148 रन बनाए और वो मैच विनिंग प्लेयर इंडिया के लिए बन गए और उसके बाद में इस परफॉर्मेंस से इंडिया के पहले विकेट कीपर बन गए जिन्होंने इतना हाई स्कोर किया था और अपने टीम में अपना स्थान उन्होंने पक्का कर लिया था। धोनी सचिन तेंदुलकर के साथ में नवंबर 2005 की बात है, एक बहुत खतरनाक टारगेट था 299 का। उन्होंने उसमें क्या किया, 145 बॉलों में 183 रन बनाया और इंडिया को जिता दिया। उस सीरीज में उनको मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड भी मिला और 346 रन उन्होंने बनाए। 2007 के वर्ल्ड कप की बात करें तो वो केवल 29 रन बना सके 3 मैचों में और इसी के कारण से इंडिया टीम है वो नॉकआउट राउंड में ही बाहर हो गई। लेकिन धोनी ने वापस बाउंस बैक किया, वापस लौटे और बहुत शानदार प्रदर्शन के कारण से इंडियन T20 टीम में वो ना केवल सेलेक्ट हुए बल्कि कैप्टन के रूप में आए और इसी के साथ उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला जो T20 का वर्ल्ड कप था साउथ अफ्रीका में, उसको अपनी शानदार मेहनत और टीम के प्रदर्शन के बल पे जीत लिया। कैप्टन के बारे में बात करें तो कैप्टन के रूप में उनका करियर बहुत ही शानदार रहा है, पूरे विश्व में उन्होंने अपना डंका बजाया है। उनको कैप्टन बनाया गया था 2007 में और टेस्ट टीम में उनको 2008 में कैप्टन बनाया गया,
2009 में उन्होंने 1198 रन बनाए 24 पारियों में और उनका औसत रहा 70.43, और उस साल वो हाईएस्ट स्कोरर भी रहे ओडीआई मैचेस में। और उनकी कैप्टनसी की बात करें तो उनकी कैप्टनशिप में क्या हुआ, इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक एक से ड्रॉ खेला और उस समय इंडिया जो थी टेस्ट मैच में दुनिया की नंबर वन टीम बन गई। उनको कैप्टन कूल के नाम से भी जाना जाता है। कैसी भी परिस्थिति हो वो अपना धैर्य कभी भी नहीं खोते। उन्होंने इसके साथ में श्रीलंका के खिलाफ 91 रन की पारी भी खेली थी जो कि 2011 वर्ल्ड कप में जिताने वाली पारी थी जो इतिहास में बिल्कुल दर्ज है। उन्होंने बहुत सारे अवार्ड इसके साथ साथ में जीते हैं, आईसीसी वर्ल्ड ओडीआई 11, 6 साल के लिए लगातार वो चुने गए 2008 से 2013 तक। उनको राजीव गांधी खेल रत्न ये अवार्ड उनको दिया गया 2008 में। वो 15 से ज्यादा उत्पादों की मार्केटिंग भी करते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं और मार्केट में उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। जून 2013 में वो 16वें सबसे बड़े खिलाड़ी थे जिसकी अर्निंग 31 मिलियन डॉलर से ज्यादा थी और इंडिया टीम के सबसे सफल खिलाड़ियों में से वो एक हैं। अवार्ड की बात करें तो उनको राजीव गांधी खेल रत्न, पद्मश्री, आईसीसी वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर, ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर और भी बहुत सारे पुरस्कार उनको मिले हैं। अगर आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनशिप की जो 2010, 11 और 18 में उन्होंने जीती, और इसी के साथ साथ 2010 और 2014 में उन्होंने चैंपियन लीग T20 भी जीता। 2011 की अगर हम लोग बात करें तो टाइम मैगजीन में धोनी को सबसे प्रभावशाली 100 व्यक्तियों में चुना गया और धोनी जो है उस समय इंडिया सीमेंट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट भी थे और उन्होंने एयर इंडिया से रिजाइन कर दिया था। इंडिया सीमेंट जो है वो आईपीएल टीम जो है चेन्नई सुपर किंग्स उसका मालिक था और जब से ये आई थी टीम तब से धोनी इसमें खेल रहे थे।